मेरा आपसे एक सवाल है कि दिल्ली के अंदर जो पुनर्वास कॉलोनियाँ हैं या कच्ची कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पे बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ के लोग अगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाते हैं, उद्योगों में जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनका न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता, उससे भी कम मजदूरी पे दिया जाता है, जिससे उनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके बारे में आपका क्या स्टैंड है? दूसरा, दिल्ली में जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो ऑल इंडिया लेवल पे उनका कंपटीशन होता है, और ऐसे जो कॉलोनी में लोग हैं वो कम शिक्षित होते हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि यहाँ के जो निवासी हैं उनको दिल्ली के विभागों में इनको फिक्स, मतलब एक कोटा फिक्स किया जाए दिल्ली के निवासियों के, 70% 80% जो इनमें भर्ती हों वो दिल्ली के निवासियों की हो, जो यहाँ पे 20 30 40 50 सालों से रह रहे हैं।